गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। रे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। शिव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम, क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं क्या, इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दें, अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत भी पड़ गया।